दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को लेके एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि इन खबर के वेबसाइट पे छपी है। तो मैं इस खबर के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करूंगा। आपसे के साथ ये भी बात करूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कब से होगा। तो मैं इस वीडियो को आगे शुरू करूँ उससे पहले एक और बात बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम से जुड़े बहुत सारे नोट्स जो है वो तैयार कर रखे हैं। तो ये सारे नोट्स जो है हम चाहते हैं कि आप लोगों को मिले ताकि आप लोग काफी आसानी से एग्जाम की तैयारी कर पाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो फलों वगैरह के बारे में दिया गया है, जैसे आम केला का कौन सा हिस्सा खाते हैं, इसी प्रकार फलों का जो वैज्ञानिक नाम है जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगो किंग ऑफ फ्रूट, इसी प्रकार से क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, तो क्वीन ऑफ फ्रूट जो है लीची को कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सारे नोट्स जो है हमने तैयार कर रखा है। ये देखिए सारे बंस वगैरह का काफी बढ़िया से तैयार किया गया है। और ये आप देखिए प्रमुख नदियों के नाम वगैरह, तो ये सारे नोटिफिकेशन हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये सारे अगर नोट्स आप चाहते हैं तो आपको वीडियो के कमेंट में आपको अपना नंबर सेंड करना है और ये वाले नोट्स जो है हम आपको व्हाट्सएप कर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, ये नोट्स मैं उन्हीं बच्चों को भेजूंगा जो कि एक सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो मैं वो सवाल आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आज का सवाल है वो ये है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। आपको जवाब देना है ए वोल्ट, बी हेनरी, सी ओम या एम्पियर। जो भी सही जवाब है वो आपको बताना है और जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसको मैं ये जो नोट्स आपको दिखाया था ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो कि इन खबर के वेबसाइट पे छपा है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम डेट को लेके। दोस्तों तो हम आ गए हैं इन खबर के वेबसाइट पे और ये देखिए इसका इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि आप लोग फर्जी वीडियो एडिट वगैरह करके डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन खबर के वेबसाइट पे आज की खबर छपी है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 30 अगस्त के बाद कभी भी जारी हो सकती है। और इसकी जो जानकारी है वो www.rrbcd.gov.in पे आएगी। उसके बाद हम पूरी खबर देख लेते हैं। पूरी खबर ये है, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी एग्जाम की डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी करेगा। एनटीपीसी एग्जाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट जो ये दी गई है आरआरबी चंडीगढ़ का, उस पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके आगे के बाद यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आपका एग्जाम का डेट आ जाता है। जैसे ये 26/7 को नोटिफिकेशन आई थी लोको पायलट को लेके, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको भारतीय रेलवे एनटीपीसी आरआरबी CBT1 एग्जाम, यानी कि इसमें बताया गया कि एग्जाम CBT1 और CBT2 दो तरह से होंगे। और साथ ही इस खबर में यह भी बताया गया कि रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस है, कई सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया था उसको लेके फॉर्म के ऊपर 30 अगस्त तक रेलवे आखिरी विचार करेगी। और ऐसा हो सकता है सितंबर के आखिरी सप्ताह या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ये जो एग्जाम है एनटीपीसी का वो कंडक्ट हो जाता है, यानी कि एनटीपीसी का एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप समझिए तो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है नवंबर या दिसंबर में चालू हो पाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।